हेलो फ्रेंड्स, आज के वर्कशॉप में हम एक ड्रोन बनाएंगे। ड्रोन के हर एक पार्ट को समझने के लिए आप वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, और यदि आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ड्रोन के बॉडी को क्रिएट करने के लिए हमें कोई हल्का चीज़ लेना होगा, तो ये हम फॉर्म लिए हैं। आप कोई भी हल्का चीज़ से बना सकते हो, क्योंकि यदि आप हल्का बनाओगे तभी ये ड्रोन उड़ पाएगा। ये जितना थ्रस्ट बनाएगा उतना ही ये भार उठा पाएगा। तो हम यहाँ पर छोटा मोटर लगाने वाले हैं, इसलिए हम इस फॉर्म का यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इस फोम को ड्रोन के शेप में कट करेंगे। थे ड्रोन के शेप में कट करने के लिए हम पेन से पहले मार्क कर देंगे, उसके बाद हम इसे सोल्डिंग आयरन की मदद से कट कर लेंगे। आप किसी भी चीज़ से इसे कट कर सकते हो, सोल्डिंग आयरन से आप इसे आसानी से इसे कट कर सकते हो। ये ड्रोन का शेप आ चुका है। अब हम इसके फोम में हम मोटर को लगाएंगे। तो इसमें हम एक एक होल कर देंगे, और ये मेरा पतला सा छोटा सा ड्रोन का मोटर है, इसमें ये आसानी से फिक्स हो जाता है। और ये जो फोम है लगभग 1 इंची मोटा है, तो इसमें ये आसानी से फिक्स भी हो जाता है। और ये है मेरा ड्रोन का सर्किट। इस सर्किट को मैंने एक ड्रोन से निकाला है। इससे पहले जो मैं एक ड्रोन का वीडियो बनाया था उसी का ये सर्किट है, उसी से मैं इसे ओपन करके निकाला है। इसके ऊपर पॉजिटिव निगेटिव और चारों मोटर का जो पॉइंट है वो इंडिकेट किया हुआ है। या फिर आप जब भी ये सर्किट खरीदो या फिर किसी ड्रोन से निकालो तो उसमें पॉइंट दिया हुआ रहता है, या फिर जब भी आप इसमें से वायर जब छुड़ाओगे तभी आपको नोटिस कर लेना है कि कौन सा वायर हमें कहाँ पे लगाना है। इसे हम चारों वायर लगा लेते हैं, चारों मोटर का वायर लगा लेते हैं। और इसमें हमें ध्यान रख के वायर लगाना होगा, पॉजिटिव को पॉजिटिव में और निगेटिव को निगेटिव में कनेक्ट करना है। इस ड्रोन में सर्किट में मोटर का कनेक्शन हो चुका है। अब हम इसमें एक स्विच लगाएंगे। ये स्विच भी हम उसी ड्रोन से निकाले हैं। और ये छोटा सा सर्किट है, और इसमें एक पिन लगाया गया है। इस पिन को इस सर्किट में यहाँ पर लगा देंगे। यहाँ पर पिन लगाने के लिए जगह दिया गया है, यहाँ पर लगा के। और ये जो सर्किट है स्विच का, उसे हम इस साइड में लगा के इसे हम अच्छे से टेप के द्वारा चिपका देंगे। और इसका जो सारा वायर है उसे इसमें हम अंदर की तरफ दाब देंगे। और इस तरह से हमें इस सर्किट को यहाँ पर रखना है, प्लेस करना है कि चारों तरफ इक्वल फोर्स लगे। यदि आप इधर से उधर थोड़ा सा लगा दोगे तो एक तरफ कम फोर्स जाएगा और दूसरी तरफ ज़्यादा फोर्स जाएगा, तो ये ठीक से काम नहीं कर पाएगा। ड्रोन का जितना भी वायर है सबको अच्छी तरीके से इसमें चिपका के टेप के द्वारा चिपका देंगे, ताकि इसके प्रोपेलर में टच नहीं हो। यदि प्रोपेलर में टच होगा तो ये ठीक से काम नहीं करेगा। फिर इसमें जो हम बैटरी लगाएंगे वो इसी ड्रोन का बैटरी है, 3.7 वोल्ट का। ये इसमें जितना भी सर्किट है, स्विच है, बैटरी है, मोटर है, सभी एक सिंगल ड्रोन से निकाला गया है। सिर्फ इसका प्रोपेलर जो है वो दूसरे ड्रोन का है। ये जो मेरा ड्रोन है वो बन के तैयार हो चुका है। चलिए अब हम इसे उड़ा के देखते हैं, ये उड़ता है या फिर नहीं उड़ता है। क्योंकि ये सर्किट जिस ड्रोन से निकाला हूँ उस ड्रोन का जो प्रोपेलर है वो इस प्रोपेलर के लगभग 2-3 गुना ज़्यादा बड़ा था, लेकिन इसका जो प्रोपेलर है बहुत ही छोटा है, इसलिए हम देखते हैं ये उड़ पाता है या फिर नहीं उड़ पाता है। और ये इसका रिमोट कंट्रोल है, वही रिमोट कंट्रोल है। इसे हम ऑन करते हैं, ये थोड़ी देर में कनेक्ट हो जाएगा। ये देख सकते हो ये कनेक्ट हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे ऑन कर दिए हैं। अब इसे फोर्स देते हैं, मतलब फोर्स देते हैं इसमें उड़ता है या फिर नहीं उड़ता है। ये आप देख सकते हैं, यही इसे ऊपर करके इसके नोब को ऊपर करते हैं तभी ये उड़ नहीं पाता है। ये अपने ही जगह पर इधर उधर कर रहा है लेकिन उड़ नहीं पा रहा है। इसका सारा कुछ सही है लेकिन इसका जो प्रोपेलर है वो ज़्यादा ज़्यादा थ्रस्ट नहीं बना पा रहा है, इसलिए ये नहीं उड़ पा रहा है।